पंचायत 2 के बाद जितेंद्र कुमार का नया प्रोजेक्ट आ रहा है। इस फिल्म का नाम है जादूगर। 1989 में अमिताभ बच्चन ने इसी नाम की फिल्म में काम किया था, जिसे प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था। ये मेहरा और बच्चन की एक साथ 8वीं और आखिरी फिल्म थी। खैर, नई जादूगर टीवीएफ वाले यारों दोस्तों ने मिलकर बनाई है। ये मीनू नाम के एक लड़के की कहानी है। एमपी के नीमच इलाके में वो रहता है। वहाँ एक फुटबॉल कल्चर मजबूत है। मीनू खुद कॉलोनी की फुटबॉल टीम का हिस्सा है, मगर उसका इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जादूगर बनना चाहता है। कई मैजिक ट्रिक्स भी आती हैं उसे। इसी उधेड़ बुन वाले दौर में उसके जीवन में एक लड़की आती है। मीनू पड़ जाते हैं प्रेम में। अपने प्रेम को पाने के लिए उन्हें इंटर कॉलोनी फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेना पड़ेगा और अपनी टीम को जिताना होगा। बाधाएं सिर्फ दो हैं। वो लड़की मीनू से प्यार नहीं करती और कॉलोनी टीम ने सालों से कोई मैच नहीं जीता। ये फिल्म 90s की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म वाला वाइब दे रही है। शायद यही चीज इसे आज के टाइम में फ्रेश बनाती है। ट्रेलर का बड़ा हिस्सा मीनू की लव स्टोरी पर खर्च किया गया है। किसी मेन स्ट्रीम हिंदी प्रोजेक्ट में फुटबॉल पर बात हो रही है। OTT प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म आ रही है जिसमें गाली गलौज नहीं है, ना ही ऐसे सीन्स जो फैमिली ऑडियंस को असहज करें। ये सारी चीजें जादूगर को एक हल्की फुल्की फैमिली फिल्म बता रही हैं। टीवीएफ वाले अपने कंटेंट में ऐसे मोमेंटम डाल ही देते हैं जो आपको कोई फिल्म या सीरीज देखने के बाद भी याद रहे। ट्रेलर में भी ऐसी दो चीजें हैं। पहला वो सीन जिसमें मीनू सबके सामने अपनी संभावित गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोलता है, और दूसरा वो लाइन दिल बहलाने वालों को नहीं दिल जीतने वालों को जादूगर कहते हैं। जादूगर में मीनू का रोल कर रहे हैं जितेंद्र कुमार। जितेंद्र इससे पहले भी नेटफ्लिक्स फिल्म चमन बहार में काम कर चुके हैं। पंचायत 2 की सफलता के बाद ये उनका अगला प्रोजेक्ट है, इसलिए इससे उम्मीदें ज्यादा रहेंगी। मीनू जिसके प्रेम में है उस लड़की का रोल किया है आरुषि शर्मा ने। आरुषि ने कार्तिक सारा स्टारर फिल्म लव आजकल से अपना डेब्यू किया था। इन दोनों के अलावा फिल्म में जावेद जाफरी भी दिखाई दे रहे हैं। जावेद मीनू के फादर फिगर और फुटबॉल टीम के कोच का किरदार निभा रहे हैं। जादूगर को डायरेक्ट किया है समीर सक्सेना ने। समीर को इंडिया की पहली वेब सीरीज परमानेंट रूममेट्स डायरेक्ट करने का गौरव प्राप्त है। ये मेरी फैमिली जैसी पॉपुलर सीरीज भी उन्होंने ही बनाई है। जादूगर को लिखा है विश्वपति सरकार ने। विशु इससे पहले परमानेंट रूममेट्स, बेली स्पीकिंग विद अर्नब और टीवीएफ पिक्चर्स जैसे शोज लिख चुके हैं। वो एक्टर के तौर पर भी काम करते हैं। टीवीएफ के कई शोज में फीचर करने के अलावा विश्वपति, बागी, कार्गो और पंचायत जैसी फिल्मों और शोज में नजर आ चुके हैं। जादूगर 15 जुलाई 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैंने हारिका यादव। सिनेमा से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का हटने के बाद अब बारी है ऐप की। ललन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।